आज हम बनाने वाले हैं एकदम मज़ेदार चटपटी सेजवान चटनी। सेजवान चटनी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और आप इसे रेगुलर भी खा सकते हैं। जैसे हम अचार खाते हैं खाने के साथ, ऐसे ही हम सेजवान चटनी भी खा सकते हैं, लेकिन सेजवान सॉस को हम डेली नहीं खा पाते हैं। और इसकी एक ख़ास बात है कि आप इसे 3 से 4 महीने के लिए एयर टाइट कंटेनर में भरकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी फूड स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेजवान चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 50 ग्राम लाल मिर्च ली है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आप नॉर्मल वाली ले रहे हैं तो उसके बीज निकाल लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ इसके बीज निकाल रही हूँ। बीज निकाल के हम साफ़ कर लेंगे। देखिए अच्छे से साफ़ हो गई हैं। अब हम इन्हें पानी में भिगो के रखेंगे। तो यहाँ मैंने गर्म पानी लिया है, करीब करीब 3 कप ये गर्म पानी है। उसमें हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे, जिससे ये सॉफ़्ट हो जाएंगे। या आप चाहें तो कुकर में सीटी लगवा कर भी आप इसे सॉफ़्ट कर सकते हैं। देखिए 20 से 25 मिनट हो गए हैं और मिर्च अच्छे से सॉफ़्ट हो गई हैं। अब हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें डालकर इसको हम इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए पेस्ट मैंने बना लिया है, लेकिन फाइन पेस्ट हमें बिल्कुल नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा हमें रखना है। सेजवान सॉस में बारीक पेस्ट होता है, लेकिन इसमें हल्का दरदरा रखना है। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें मैंने यहाँ 1/4 कप तेल लिया है। आप तेल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ 1/4 कप ही बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है। इसमें लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा, तो चम्मच से आप माने तो ये लगभग 4 से 5 बड़ी चम्मच है। तो इसे हम अच्छे से भून लेंगे। और 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ बारीक कटा हुआ अदरक लिया है, इसे भी भून लेते हैं। अदरक और लहसुन को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा बस इनका कच्चापन चला जाए। 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पर ही भूनना है। अब हम जो हमने मिर्ची का पेस्ट बनाया है वो डाल देते हैं और लगातार चलाते हुए हमें 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है। तो चलिए इसे 5 से 6 मिनट हम पका लेंगे। सेजवान चटनी बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप आसानी से ही आप इसे घर पर बना पाएंगे और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बच्चे होंगे तो वो भी इसे खा लेंगे। तो चलिए लगातार पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब हम यहाँ 3 बड़े चम्मच चीनी डाल देंगे। अगर आप थोड़ा तीखा पसंद करते हैं तो आप 2 चम्मच डाल लीजिए। और 1 चम्मच मैंने यहाँ नमक डाल लिया है। नमक और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ सोया सॉस लिया है। सोया सॉस डालना इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए 1 चम्मच हम इसमें सोया सॉस डाल लेते हैं और मिला लेंगे अच्छे से। अब मैंने यहाँ सिंथेटिक विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका लिया है। आप सफ़ेद सिरके की जगह नींबू भी डाल सकते हैं, या फिर आप इमली का पेस्ट भी डाल सकते हैं, या नींबू शरबत भी डाल सकते हैं। जो आपके पास से आसानी से हो तो आप वो डाल सकते हैं। तो चलिए इसे भी हम मिला लेंगे अच्छे से और करीब करीब 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल रहे हैं। 50 ग्राम मैंने मिर्च ली है, उसमें करीब करीब 1 कप पानी जाएगा। अगर आप 100 ग्राम मिर्च ले रहे हैं तो उसमें 2 कप आप पानी डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद आप इसे करीब करीब 5 से 6 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। 5 से 6 मिनट हो गई है, चेक कर लेते हैं। देखिए इसने अपना तेल अच्छे से छोड़ दिया है। अब ये हल्का सा हमें पतला लग रहा है, तो उसके लिए मैंने यहाँ 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और उसमें 1 से 2 चम्मच पानी डालकर मैं अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। देखिए यहाँ मैंने घोल तैयार कर लिया है। अब हम सेजवान चटनी में ये घोल डाल देंगे।
एकदम से सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें चलाते हुए ही मिलाना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं। तो चलिए इसे अच्छे से पका लेंगे और ढक कर इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। अगर आप कॉर्नफ्लावर नहीं डाल रहे हैं तो कॉर्नफ्लावर की जगह आप अगर आप कॉर्नफ्लावर नहीं डाल रहे हैं तो आप करीब करीब जहाँ मैंने 5 से 6 मिनट के लिए इसे ढककर पकाया, आप 10 से 12 मिनट के लिए इसे ढककर पका सकती हैं। तो चलिए ढककर हम 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। सेजवान चटनी बनकर तैयार है और देखिए ये पहले से हल्की सी गाढ़ी हो गई है, क्योंकि ठंडा जैसे जैसे ठंडा होगी तो ये गाढ़ी होती चली जाएगी। आप ऐसे बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सेजवान चटनी को आप 3 से 4 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, एक एयर टाइट कंटेनर में रखिए और फ्रिज में आप 3 से 4 महीने के लिए इसे स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए आप भी बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली में, फ्रेंड में या सोशल साइट पे आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।